बात करते हैं आतंक के अंत की, तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी 6 अप्रैल 2021 को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था और पंजाब के रूपनगर जेल से बांदा जेल से उनको शिफ्ट किया गया था। 1988 में हत्या के मामले में पहली बार उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद उनके नाम के आगे रिकॉर्ड बनते गए, मुकदमों के रिकॉर्ड बनते गए और अपराधों की जो लिस्ट थी उसमें मुख्तार अंसारी का जो नाम है वो शुमार होता रहा। पंजाब की रूपनगर जेल से बांदा में उनको शिफ्ट किया गया था। बांदा जेल में सबसे पहले उनके ऊपर जो हत्या का मामला सामने आया था वो 1988 में आया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मऊ बांदा गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद स्थित कब्रिस्तान में सुपर देखा किया जाएगा। इसके लिए डीआईजी और जिला अधिकारी की तरफ से पुलिस बल को निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता सुभान उल्लाह अंसारी के बगल में खोदी जाएगी और वहीं पर मुख्तार अंसारी का शव बांदा से आने के बाद परिवार वालों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से यूपी की बांदा जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी। गुरुवार शाम करीब 8 बजे उनकी तबियत बिगड़ी थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में उनकी मौत हुई।